हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अगेन हिमाचली ब्लॉग्स करण ठाकुर में। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं निशानी, जो कि तहसील निरमंड में पड़ता है। तो वहां पे आज आता है देवता साहिब क्षोली महाराज जी, प्रचोली के, सॉरी। तो आज हम वहां जा रहे हैं। तो ये मेरे साथ मेरी वाइफ है, ये हमारी सारी साहिबा, मेरे वाइफ से छोटे वाले। तो एक्चुअल में जहाँ वो देवता आता है, वो हमारे बड़ी बड़ी दीदी है, इनकी बड़े वाले बहन है वाइफ के। तो वहां जा रहे हैं, तो हम आपको ले चलते हैं वहां पे। तो फिर सो गाइस, ये हम पहुंच गए हैं निशानी। ये ससुर जी हमारी बैठ गए हैं चेयर पे, और सभी लोग जहां पे चाय पी रहे हैं, जलेबी पकौड़ा खा रहे हैं, और भीड़ बहुत ज़्यादा है यहां पे, और टिक्की चाट भी है साथ में, ही ठेला लगा हुआ है, गोलगप्पे का भी है। तो देख सकते हैं आप, ठंड के कारण देखो शकपोसा भी चाय पी रहे हमारे। ये घर, हम लोग बैठे हैं घर के आंगन में, तो देवता साहिब बैठे हैं साइड में, क्योंकि ये हमारे से पहले पहुंच गए थे, हम थोड़े लेट पहुंचे यहाँ पे। तो ये नाचे तो नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पे फेरा होना है, क्योंकि घर जैसे आते हैं ये, इनका वो है कि घर का फेरा अराउंड चारों ओर फेरा लेना पड़ता है। तो वो फेरा होता है घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए, ताकि घर के अंदर कोई भी नेगेटिव थिंक या नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जाएं, बुरी शक्तियां प्रवेश ना कर सकें। तो तभी होता है, तभी ये फेरा होता है घर के चारों ओर। कह सकते हैं आप, जैसे आप मान लो लक्ष्मण रेखा एक प्रकार की, वही सिस्टम है ये, जो देवता लोग अपनी वो रेखा खींचते हैं घर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये घर है हमारे साडू भाई जी का, बहुत ही अच्छा मकान बनाया उन्होंने। ये सभी चाय पी रहे दोस्तों, चाय का लुत्फ ले रहे हैं। ठंड में तो बनता ही है चाय दोस्तों, क्योंकि तभी शरीर अंदर से गर्म रहेगा। तो एक दो कप तो मैंने भी पिए। ये आग जली है दोस्तों, फायर है बीच में, और आग का फायर का मज़ा ले रहे हैं। तो ये देवता साहिब हो गए हैं तैयार, अब उठ चुके हैं खड़े, क्योंकि अब इनको बोल रहे हैं फेरे के लिए, उसके लिए इनको बाध्य कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, इनकी राय ले रहे हैं। तो ये जाएंगे फेरा लेने। तो दोस्तों, यहाँ पे शूट लेना भी मना है, वीडियो बनाना मना है, क्योंकि इस टाइम वैसे नहीं बनाते हैं वीडियो। तो मैंने भी चोरी छिपे बना लिया हुआ है। तो अभी आते हैं मेरे पास एक भाई साहब, वो मना करते हैं कि मत शूट करो आप, क्योंकि फेरे के वक्त लाइट भी बंद करते हैं टोटली। घर की जितनी भी लाइट्स है वो बंद होनी चाहिए, उसके बाद ही फेरा होता है मशाल लेके। तो दोस्तों, यहाँ वॉल्यूम म्यूट किया है मैंने, क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा है इस टाइम, बहुत ज़्यादा है, तो वो हम नहीं दिखा सकते हैं ना रिकॉर्ड कर सकते हैं ज़्यादा। अभी देवता साहिब बताएंगे फेरे के बारे में, और इनका अपना एक सिस्टम होता है, बहुत ही शक्तिशाली है देवता साहिब प्रचोली जी के। इनकी मैंने बहुत ख्याति सुनी है, बहुत ही फेमस है, शायद आपने इनको देखा होगा रामपुर के फाग मेले में, अक्सर लोगों ने देखा होता है, इनको आते रहते हैं हर साल, ये शिरकत करते हैं फाग मेले में। तो बहुत ही शक्तिशाली है। तो हम तो देवता साहिब रचोली जी से दुआ करते हैं कि हमारे ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सभी के ऊपर बनाए रखें, सभी लोगों के ऊपर बनाए रखें। तो गाइस, ये देख सकते हैं आप, अभी बात चली है। अभी तैयार है दोस्तों, अभी लाइट बंद है, तो ये फेरा वापस, ये फेरा पूरा करके वापस आ रहे हैं देवता साहिब जी। तो मैं वो वीडियो आपको नहीं दिखा पाया, क्योंकि अलाउ नहीं करते हैं यहाँ पे, बाहर के आउटसाइडर को अलाउ नहीं करते हैं ये लोग, क्योंकि जितने भी देवते के साथ आए हुए मेम्बर्स होते हैं वही लोग ही रहते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है इनके साथ, देवता लोगों के साथ, कहते हैं कि बहुत सारी बुरी शक्तियाँ चलती है, तो नकारात्मक ऊर्जाएँ होती है, तो इसलिए वहाँ पर अलाउ नहीं करते हैं। कुछ भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है यहाँ तक कि इंसानों की, तो तभी थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है सभी को। ये करते भी है, कराते भी है लोगों को, और सामने से हटाते हैं और घेरे के अंदर ही रखते हैं सबको, जो घर का कंपाउंड होता है उसके अंदर ही रखते हैं। यहाँ पे दोस्तों भीड़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आंगन में तो
लॉन में उतने सभी नहीं आ पा रहे हैं, कुछ अंदर है, कुछ बाहर है, कुछ रोड में है, कुछ घर के पीछे है। ये हमारे मामा जी है आगे और मफलर ओढ़ रहे हैं, ठंड ज़्यादा है। ये बच्चे अभी यहाँ पे फेरे के बारे में जो है इनसे पूछ रहे हैं कि फेरा कैसा रहा, मतलब वो बात हो रही है, घर के मेंबर्स बात कर रहे हैं, दीप्ता साहिब से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भी है दीप्ता साहिब जी अपने रथ से ही जवाब देते हैं, रथ ही इनका बोलता है। दोस्तों अगर आपको भी कोई समस्या हो तो आप रचौली जा सकते हैं, इनके मंदिर जा सकते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम अपना जो काम है श्रद्धालुओं का जो काम है वो मंदिर में ही करते हैं, तो अक्सर इनको लोग वहाँ पे जाके वो करते हैं तो फ़ायदा मिलता है अक्सर। ये अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं जो भी इनका नाम जपते हैं या लेते हैं, तो बहुत ही मशहूर है, इनके मंदिर में बहुत भीड़ लगी रहती है दोस्तों। एक्चुअल में जो भी इनको जैसे जांच बोलते हैं हमारे वो देता है, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है एक साल पहले, दो साल पहले, तो जब भी किसी का नंबर लगता है तो उस वक्त ही ये आ पाते हैं, अदरवाइज़ ये नहीं आते हैं। तो इतनी भीड़, इतना इनके पास क्राउड रहता है मंदिर में, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही फेमस है वहाँ पर रामपुर में, फाग मेले में आते रहते हैं। सो गाइस ये हम आग ताप रहे हैं, मैं भी आग ताप रहा था तो सोचा कि एक शूट ले लें। अब देखो किस तरह आग ताप रहा है, ठंड इतनी ज़्यादा है, तो यहाँ पे इंतज़ाम इन्होंने अच्छा किया हुआ है, ड्रम्स बिठाए हुए हैं, यहाँ पे दो बिठाए हैं ताकि लोग आग ताप सके, और उसमें भरपूर लकड़ियाँ डाल रहे हैं, जगह जगह पर इन्होंने लगाए हैं, क्योंकि मैंने तो अभी एक दिखाया आपको, एक सामने परे को है, ऊपर घर के पास भी है ये दोस्तों, नीचे हम खड़े हैं, यहाँ पे ग्राई की रसोई भी है, तो ये जो है हमारे थाडू भाई जी का, यहाँ पे गाय का वो भी है, गौ शेड भी है परे को, और जो दिख रहा है जहाँ पे लाइट दिखी आपको परे, और जो ये वाली बिल्डिंग है यहाँ पे ये मशीन लगाते हैं। अब दोस्तों ये हो रहा है कीर्तन भजन, देवता साहिब के आंगन में बैठे हैं सारे और देवता साहिब साहिब में बैठे हैं, तो ये कीर्तन हो रहा है। दोस्तों टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा, तो अब मैं जाता हूँ सोने, तो बाकी मैं दिखाऊंगा कल सुबह आपको, मिलते हैं सुबह। दोस्तों तो ये हम जा रहे हैं अगले दिन वहाँ पे जा रहे हैं आज द्वारा, जहाँ पे हम मैंने कल दिखाया था आपको देवता साहिब जी के पास, तो मैं सो के उठा लेट, तो टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा, तो 12 बजे के करीब हो गया, तो एक आधा घंटा मैं आपको दिखाऊंगा जो भी होगा वहाँ पे। ये हम सभी लोग वहाँ के लिए जा रहे हैं। I'm gonna try to cut it.
ये सभी लोग फोटो लेने के लिए तैयार, ये फोटो शूट कर रहे हैं। तो ये पीछे से मेरे ससुर जी भी आ रहे हैं, ये दिलसुख नेगी जी फ्रॉम ढोल, ये सासू माँ जी है, ये छप्पो साहब की वाइफ है, तो ये सासू माँ है, दीदी है, ये सासू माँ है, मेरी वाइफ सब है। तो सभी जा रहे हैं वहाँ पे। तो ये है दोस्तों चुनागई बोलते हैं यहाँ पे। तो ये चीमू का पेड़ है, दोस्तों ये देवता साहिब जी उठ गए हैं खड़े हैं क्योंकि ये घर जाने को तैयार है, ये अब टाइम भी हो गया इनका, तो ये घर जाएंगे। तो घर जाती बार इनसे बातचीत करेंगे घर के सदस्यों और घर के सभी मेंबर लोग जहाँ खड़े हैं। तो पूछ रहे हैं देवता साहिब से भी कैसी रही ये जांच और कृपा दृष्टि बनाए रखना, वो बातें हो रही हैं। बाकी आप देखो का मन हो रहा है, तो सोचा कि नाच लूं दो मिनट में।
दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और साथ में दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। कृपया सब्सक्राइब भी करें, भूल जाते हैं बाद में, अभी कर लेना। तो ये घर का बैकग्राउंड दोस्तों। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। ये देखो कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे। तो मैं भी निकलता हूँ घर। तो ये है बगीचा यहाँ पे, बहुत ही अच्छा व्यू। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय वीर बजरंगबली, नमस्कार।